दोस्तों लगता नहीं है कोई भी भर्ती अच्छी तरीके से पूर्ण हो पाएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इस पर लिखा हुआ है, भर्ती प्रकरण में गोरखपुर आरआरबी पर छापेमारी, दिल्ली की विजिलेंस टीम ने मारा छापा। दोस्तों लोको पायलट और तकनीशियन वर्ग के स्वीकृत पद से अधिक की भर्ती मामले में दिल्ली विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। अब इसमें सोच लीजिए कि जब ये भर्ती जो पिछली थी दिल्ली लोको पायलट और टेक्नीशियन की, उसमें जितने पद थे उससे भी ज़्यादा भर गए और कोई सिस्टम में कुछ भी नहीं हुआ कहीं पर भी, आप छापेमारी हुई है और जो अधिकारी करप्शन बैठे हुए हटाए नहीं जाते वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर उसको हटाया, इस चेयरमैन ने उसको हटाया नहीं है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इसमें ये आगे भी मैं आपको पढ़ाता हूँ पूरी कितना करप्शन है इस देश में। धीरे धीरे मतलब सारी नौकरियों को ऐसे ही खा जाते हैं। जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय में दिल्ली विजिलेंस का छापा, सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन सहित अन्य भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, बुलावा और नियुक्ति पत्र के नाम पर धन उगाही की शिकायत पर दिल्ली की विजिलेंस टीम ने गुरुवार को पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय पर स्थित रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय में छापेमारी की है। टीम ने चेयरमैन का कार्यालय खुलवाकर एक एक फाइलों की खंगाला और संबंधित कर्मचारियों में पूछताछ की। इस दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए। रेलवे बोर्ड ने शिकायतों की गंभीरता से लेते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के चेयरमैन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें दूसरे जोन में भेज दिया, मतलब उन्हें पूरी तरीके से हटाया नहीं गया, उन्हें दूसरे जोन में भेज दिया गया। तो इसीलिए इसमें आरआरबी एनटीपीसी में जो लोको पायलट जो स्टेशन मास्टर और ग्रुप डी के रिजल्ट हैं वो इसलिए नहीं आ रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए।